तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रवीण है, वेलकम टू बीजेटी टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, आप इस टाइप का फोटो कैसे एडिट कर सकते हैं वो भी अपने फ़ोन में वो काफ़ी आसान तरीके से। अगर आप इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और आप 100% चांस बनता है इसमें आप सीख जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो आप जरूर सीख जाओगे और काफ़ी आसान है इस फोटो को एडिट करना। तो दोस्तों, इस फोटो को एडिट करने के लिए दोस्तों आपको पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है। ये प्ले स्टोर पर दोस्तों आपको मिल जाएगा, पिक्सआर्ट इसका नाम है, आपको प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगा। फिर आपको दोस्तों इसको ओपन कर लेना है। तो ये ओपन हो गया दोस्तों, तो दोस्तों ये ओपन हो गया। फिर जो प्लस वाला आइकन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड दोस्तों फिर आपको वो फोटो सेलेक्ट करना जो आप एडिट करना चाहते हैं। तो जो भी आपके फोल्डर में फोटो, जहाँ पर भी आपका फोटो है वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों आपको वो फोटो सेलेक्ट करना है जो आप एडिट करना चाहते हैं। एंड तो दोस्तों आपको मैं आपको बताता हूँ, तो अगर आपको तो आपको दोस्तों इस टाइप का कुछ फोटो होना चाहिए जहाँ पर पीछे कुछ पेड़ है या कोई भी हो, तो इस टाइप का अगर फोटो होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका फोटो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो एंड फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों अगर आपका फोटो काफ़ी बड़ा है तो अगर तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, तो मैं इतना फोटो को थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों आपको टूल पर वापस क्लिक करना है, एडजस्ट पर जाना है। फिर दोस्तों आपको अपना फोटो को थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, जैसे आप रखना चाहें। तो मैं इस तरह रखना अपने फोटो को जैसे आप रखना चाहें ऐसा आप कर लेना है। एंड फिर दोस्तों क्या करना, आपको डन कर देना ऊपर से। एंड फिर जो है दोस्तों इस फोटो में, फिर दोस्तों ये ब्यूटीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वहाँ पे हेयर कलर पर जाना है। एंड फिर दोस्तों कुछ प्रोसेसिंग चालू होगी, फिर थोड़ी देर आपको वेट करना है। जब तक ये प्रोसेसिंग हो रही है तो वीडियो को थोड़ा मैं स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों 5-10 सेकंड की प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, ऑटोमेटिकली आपके हेयर जो है कलर हो जाएंगे। तो आप जैसा अपने हेयर का कलर रखना चाहे रख सकते हैं, तो यहाँ से आप अमाउंट को कम ज़्यादा भी कर रख सकते हैं। तो आपने जितना चाहे अपने बाल हेयर को ब्लैक कर सकते हैं, तो मैं इतना ही रखूँगा। फिर दोस्तों आपको डन कर देना है। तो हमारा हेयर जो कलर हो गया है, कलरफुल हो गया है, तो ऊपर से आपको फिर से डन कर देना है। एंड फिर वापस हेयर वाले कलर आइकन पर क्लिक कर देना है। तो फिर क्या होगा दोस्तों, वापस ये रबड़ वाले आइकन पर क्लिक करना, अपने जो हेयर है वापस क्लिक कर देना। उससे क्या दोस्तों, अगर हम वापस करते हैं तो वापस ब्लू कलर आ जाएगा। तो वो मिटाने के लिए आपको रबड़ पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको फेस को और वाइट करना है तो ये जो वाइट कलर है उसको क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों अपने फोटो को जूम करें इस तरह से, अपने फेस पे रफ कर देना है एनिमल को। तो मैंने रफ, अब तो अपना फेस पर ऐसे घिस देना है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ तो मैं पूरी तरह से फेस पर, जहाँ पर मैं इस पर से घिस देता हूँ। आप भी इसी तरीके से करना अगर आपको फोटो में कुछ भी, आप अगर अपने फ़ोटो को वाइट करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो बहुत सारे दूसरे वीडियो भी आप देखना चाहो तो यूट्यूब पर बहुत सारे मेरे वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो। एंड दोस्तों मैं यूट्यूब पर नया हूँ, तो भाई को यूट्यूब पर थोड़ा सपोर्ट जरूर करना, और मैं कुछ अभी ना यूट्यूब पर सपोर्ट करना ताकि मैं भी आप लोगों को एडिटिंग सिखा सकूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाएगी। तो मैंने सारे जहाँ पर भी मेरा फेस वाइट करना चाहता था उतना मैंने कर दिया है, आपको भी इस तरह से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि मैं अपने हैंड पे पिक कर देता हूँ, तो आप सही तरीके से करना। तो मैं वीडियो को थोड़ा और स्किप कर देता हूँ। तो मैंने पूरी तरह से मैंने पूरे हिस्से को कवर कर लिया, तो आप भी अपने पूरे हिस्से को कवर कर लेना जहाँ पर भी आप अपने वाइट हिस्सा करना चाहते। फिर उसके बाद आपको अमाउंट को कम कर देना है, तो मैं इतना कम कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं हमारा फ़ोटो जो है वो वाइट हो गया है। तो जैसे अपना अमाउंट को रखोगे तो इस तरह से आपका फ़ोटो हो जाएगा। तो मैंने इतना ही रखूँगा। एंड उसके बाद वापस फिर से आपको डन कर देना है, तो ये डन हो जाएगा। फिर वापस हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर अंडो कर देना है। तो आपको क्या करना है कि एक कलर सेलेक्ट करना है, तो फिर आपको अपने हिसाब से कलर को बना लेना है। जैसे कि तो फिर इस टाइप से अपने कलर को बना लेना, तो मैंने कलर को बना लिया है।
श्री दोस्तों आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपके पत्ते हैं बैकग्राउंड का आपका कलर है तो आप ऐसा ना रख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा कलर आपको दूसरा लेना है, एंड अमाउंट को फुल कर देना है, जैसा आप कलर रखना चाहे रख सकते हैं। तो पूरी तरीके से आपको कर देना है, जहाँ पर भी आपके पत्ते हैं, अपने बॉडी पे मत करना दोस्तों, अपने जहाँ पर भी पत्ते हैं वहाँ पर आप कर सकते हो। तो मैं जहाँ पर भी पत्ते थे वहाँ पर कर लूँ, तो मैं वीडियो को थोड़ा और स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो दोस्तों मैंने पूरी तरीके से जहाँ पर भी पत्ते थे मैंने पूरी तरीके से कलर कर दिया है, और आप भी इस तरह से कर लेना। और जो बहुत सारे इधर कलर दिए, अगर आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे कलर है और काफ़ी कमाल का हमारा फोटो भी लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से दे सकते, चाहे जो चाहे अपनी मर्जी से कलर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे कलर है, एंड यहाँ पर जो कलर वाला ऑप्शन दिया है यहाँ से तुम कलर बना भी सकते हो। तो बहुत सारे कलर देख सकते हो, और अब यहाँ से तुम कलर बना भी सकते हो बहुत सारे, तो आप देख सकते हो। तो अपने हिसाब से जैसे कलर चाहे आप बना सकते हो। तो जो मैं तो ये काफ़ी कमाल का लग रहा है, देख सकते हो आप दोस्तों। एंड तो बहुत सारे इधर कलर दिए गए, अपने खुद से भी बना सकते हो, और फिर जो आप रखना चाहे वो रख सकते हो। और ऊपर डन वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, एंड तो फिर दोस्तों आपको वापस 12 ऊपर वापस से डन वाला आइकन पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को सेव कर लेना है ये इधर से। एंड दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी जरूर कर दो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे दोस्तों आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।